ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 के लिए एग्जांपल प्रॉब्लम्स को. सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज़ अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर एंड द बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर. व्हाट इज़ द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर. ठीक है, हमें कलेक्टर करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर गिवन है जबकि बेस करंट की वैल्यू 40 माइक्रो एम्पेयर गिवन है. बीटा यानी गेन फैक्टर हमें जो है वो फाइंड करना है ट्रांजिस्टर के लिए. सो वी स्टार्ट विद अ एग्जांपल नंबर 1 और गिवन डेटा से स्टार्ट करते हैं. सो नंबर 1, कलेक्टर करंट जिसको हम आईसी से शो करेंगे, डेट इज 10 मिली एम्पेयर यानी 10 × 10⁻³ एम्पेयर्स. और देन बेस करंट है और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 40 माइक्रो एम्पेयर है, लाइक 40 × 10⁻⁶ एम्पेयर्स. हमें फाइंड क्या करना है, बीटा गेन फैक्टर फाइंड करना है. तो फार्मूला यहाँ पे हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, हमें पता है कि गेन फैक्टर इक्वल होता है बीटा इज़ इक्वल टू आई सी ओवर आई बी के. तो आई सी है हमारे पास 10 × 10⁻³ एम्पेयर ओवर 40 × 10⁻⁶ एम्पेयर. सो बीटा जो हमारे पास आएगा बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, डैट विल बी इक्वल टू 250. सो ये है हमारी एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 1. नाउ वी स्टार्ट द एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 2. तो सबसे पहले इसको रेज आउट कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, हमें एक डायग्राम गिवन है, एक सर्किट डायग्राम हमें कहा गया है कि इस सर्किट डायग्राम का आपको क्या फाइंड करना है, गेन जो है वो फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इन्वर्टिंग इनपुट को हमने जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करना है. और इसको हम यूँ कर लेते हैं ग्राउंड, यहाँ से यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. ये पॉजिटिव वीसीसी है, ये नेगेटिव वीसीसी है, ठीक हो गया. और बाकी जो है यहाँ से हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे. तो ये सर्किट कुछ हमें जो है वो सिंपल से गिवन है. इस सर्किट के अंदर आपको पता है कि इनपुट जो हमने रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे इस तरह लगाई होती है और आरएफ रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पे लगी होती है यानी R2 और ये R1 है. ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को. तो इस सर्किट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना स्टूडेंट्स, वो कुछ डिफरेंट वेज में हम एक्सप्लेन करते हैं. और रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी होती हैं कि जब ये सर्किट्स हमें यहाँ पे गिवन है इस तरह से, तो इसके लिए जो हमारे पास R1 की वैल्यू हम लेते हैं वो हमेशा हमेशा इन्फिनिटी के लिए होती है और R2 की वैल्यू हमेशा ज़ीरो के लिए होती है. ये हमें जो है वो गिवन डेटा है. ठीक है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है गेन. तो गेन की वैल्यू यानी जी की वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, डेट इज़ जी इज़ इक्वल टू 1 + R2/R1. सो 1 + R2 इज़ 0/∞. सो 0/something जो है वो हमेशा क्या आता है, 0 के इक्वलेंट आ जाता है. सो गेन हमारा 1 के इक्वलेंट आ जाएगा. सो ये है हमारी एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 2.